सर्व करुणाकरं गुणिजनादरकरं दुखिनां हितकरं शत्रु संताधरं बाहरी योग्यता बाहरी निमित्त भगवान के लिए जरूरी है। भगवान को भी निमित्त की जरूरत पड़ रही है, समझ आ रहा है? हाँ, ये सीखने की कोशिश करो। बिना समवसरण के भगवान कभी भी बोलेंगे नहीं। चलते फिरते जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, भगवान भगवान आप हमारे गांव से निकले हैं, हम तो आपके पास नहीं आ पाए, आप हमारे गांव में आ गए, धन्य धन्य आपके दर्शन करके धन्य हो गए। ये तो बता दो हमारी मुक्ति कब होगी, हमको भी आपकी तरह केवल ज्ञान कब होगा। फोकट की दुकान समझ रखी क्या है? जब मन आए जब कुछ भी पूछ लो और जब कभी भी उत्तर मिल जाए है? इतना पुरुषार्थ किया भगवान ने और तुम फोकट में, तुम्हारे सामने आ गए, तुम कुछ भी पूछ लो और तुम्हें कुछ भी उत्तर दे दें। ऐसे चलते फिरते भगवान कुछ भी नहीं बोलते। जहां हम बैठेंगे, जहां समोसरण लगेगा, जहां दुकान लगेगी, वहां पे आना, फुर्सत हो तो ठीक, नहीं हो तो अपने घर जाओ। समझ आ रहा है? ये भी भगवान नहीं कहेंगे, हम कह रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई ऐसी पान तंबाकू की दुकान है क्या चलती फिरती की, साइकिल वाली, कि कुछ भी चीज कहीं से माल उठा लिया और कहीं से भी कोई खरीद लिया? अरे स्टैंडर्ड की दुकान है, स्टैंडर्ड के तरीके से लगती है। समझ आ रहा है? तो भगवान की दुकान, भगवान का काम कोई ऐसा है क्या? कभी सुना है कि आपने भगवान विहार कर रहे हो और कोई भी पूछ बैठे? आप जैसे लोग अपने आप को सम्यक ज्ञानी समझ रहे हो, हम समझते हैं आप जैसा ना समझ कोई नहीं होगा, कि आपके दिमाग में यही भरा रहता है कि हमें भगवान से यही पूछना है, क्या आपने देखा, क्या हमारा होगा, हर कोई के मन में यही बात रहती है। ये उस समय के लोगों को नहीं पता रहता था क्या, जितने भी असंख्यात लोग भगवान के सामने बैठते थे वो सब यही पूछते रहते थे भगवान से कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। अगर कभी कोई पूछता भी था तो अपने पूर्व भव पूछता था, समझ आ रहा है, ये पूछता था। लेकिन हर कोई व्यक्ति यही पूछता रहे कि आगे हमारा कब होगा कल्याण, आगे हमारा क्या होगा, ये कोई भी पहले नहीं पूछता था। जितना आज के व्यक्ति के मन में ये पड़ा हुआ है कि भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा, और अगर भगवान सामने भी होते हैं तो सबसे पहले उसके मन में यही प्रश्न आएगा कि हम भगवान से यही पूछ लें और अपने फुर्सत हो जाए। समझ आ रहा है? ये किसकी बातें हैं? ये अज्ञानता की बातें हैं, पुरुषार्थहीन व्यक्तियों की बातें हैं। समझ आ रहा है? अगर इतना ही पूछने के लिए भगवान बने होते तो फिर तथ्य की कोई चर्चा ही नहीं करता, फिर तो सब भगवान के समोसरण में ही बैठे बैठे पूछते रहते, भगवान आप तो बताओ, उनका भाव बता दिया, उनका भाव बता दिया, हमारा भी बताओ, पिछला बता दिया, अगला भी बताओ, बस इसी में सब लगे रहते भगवान। कब बताएंगे वो जीव तत्व क्या, अजीव तत्व क्या, उन्हें लेने देना किसी को नहीं इससे। तो इस समझने की बातें हैं कि हम कितनी अज्ञानता भरी बातें आज कर रहे हैं इन्हीं अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ करके, और कितने अज्ञानता के व्याख्यानों पर जोर दे रहे हैं कि जो जो भगवान ने देखा वही सब होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि तुम अपने कर्म फल की ओर से निश्चिंत हो जाओ। समझ आ रहा है? अच्छे सत्कर्म करो, अच्छा पुरुषार्थ करो, अपने अंदर ये योग्यता बना करके रखो कि हमें हमेशा अच्छे निमित्त मिलते रहें, जिससे कि हमारा उपादान अच्छी जगह पर पहुंच करके अच्छा काम करता रहे। ये सब चीजें जब तक आप संयोजना नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये सारा का सारा ज्ञान कोई मतलब का नहीं रहेगा। कभी ऐसा भी होता है कि उपादान कमजोर होता है तो निमित्त से उसमें ताकत आ जाती है, समझ आ रहा है? और कभी इतना उपादान बलजोर हो जाता है कि उसको लिए एक छोटे से निमित्त से भी उसका काम हो जाता है। ये सब होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता हमेशा उपादान और निमित्त दोनों की संयोजना से ही। तो ये जानकारी रखना आवश्यक है कि केवल भगवान के देखने से सब कुछ नहीं हो जाता, भगवान के जानने से सब कुछ नहीं हो जाता,
भगवान के भरोसे सब कुछ नहीं होता, भगवान पर डिपेंड नहीं होना, भगवान ने जो कहा है उसको समझना। भगवान ने क्या कहा? दुनिया का हर कार्य अपने अपने अंतरंग और बहिरंग कारणों से होता है, उपादान और निमित्त से होता है। भगवान की बात को तो मान नहीं रहे हो, समझ आ रहा है? और भगवान भगवान चिल्ला रहे हो, भगवान ने जो देखी वैसा होगा, भगवान ने जो कहा है वैसा होगा, ऐसा तो कहता ही नहीं कोई। तो ये बातें अगर हम एक तरफा करने लग जाते हैं, एकांतिक दृष्टिकोण बना लेते हैं, तो इससे अपना नुकसान होता है, ज्ञान भी अज्ञानता की ओर ढलने लग जाता है। भगवान को भी निमित्त की जरूरत होती है और हमको भी निमित्त की जरूरत होती है। परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध यही कहलाता है। बिना समवसरण की रचना हुए कभी भी भगवान उपदेश नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? हम भगवान से पूछ रहे हैं। जब आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, पूछ रहा है, अकेला है, कोई सभा नहीं आपकी, समझ आ रहा है? आपके पास केवल ज्ञान है, सब कुछ है, आप क्यों नहीं बता रहे हो? सामान्य केवली होंगे तो बता देंगे, तीर्थंकर नहीं बताएंगे कभी भी, एक व्यक्ति को भी उपदेश नहीं देते। क्या समझ आ रहा है? सामान्य केवली होंगे तो बता देंगे, लेकिन कभी आप बता दो किसी भी तीर्थंकर भगवान ने बिना समवसरण के उपदेश दिया हो? समवसरण लगेगा, सभा में लोग बैठेंगे, तभी हमारी दिव्य ध्वनि होगी। भगवान नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या मतलब है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि बिना समवसरण लगे और कहीं भी तुम खड़े हो गए, बताओ भगवान क्या हमारा होने वाला है? तो ये तीर्थंकर भगवान के साथ नहीं होता है। तो भगवान के लिए भी बाहरी निमित्त मिल जरूरत है कि नहीं, दिव्य ध्वनि घिरने के लिए है? और भगवान के लिए वो निमित्त, बाहरी निमित्त क्या बन रहे हैं? जो सभा में बैठे हुए लोग हैं वो निमित्त बन रहे हैं, और जो सभा में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए निमित्त क्या बन रहे हैं? वो भगवान बन रहे हैं। उनको ज्ञान किससे मिलेगा? उनको सम्यक दर्शन किससे होगा? तो भगवान से होगा। एक दूसरे के लिए यही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। समझ आया? निमित्त माने बाहरी कारण और नैमित्तिक माने उस निमित्त से जिसमें कार्य हो, वो नैमित्तिक भाव कहलाता है। उस निमित्त से ये नैमित्तिक कार्य हो गया, तो यही निमित्त नैमित्तिक संबंध हर जगह चलता है। इसी तरीके से सब काम होते हैं। द्वारिका जलाने के लिए भी अग्नि लगानी पड़ेगी, समझ आ रहा है? अब वो अग्नि कैसे भी लगे, चाहे वो लकड़ी की अग्नि हो और चाहे जो है किसी रिद्धि से निकली हुई अग्नि हो, अग्नि तो अग्नि है, बिना अग्नि के तो द्वारिका नहीं जल सकती ना। जलने वाली क्रिया अग्नि से ही होगी ना, नहीं समझ आ रहा है? तो अग्नि ही निकली ना। अगर द्वीपायन मुनि के कंधे से तेजस पुतला निकला तो वो भी अग्नि थी ना, जलने का काम तो अग्नि से ही होगा, तो अग्नि ने जलाया, अग्नि का काम है जलाना। तो कोई भी कार्य यूं ही थोड़ी ना हो गया, जैसे होता है वैसे ही हुआ ना। द्वारिका जलेगी तो अग्नि से जलेगी, कौन सी अग्नि से जलेगी? तो द्वीपायन मुनि के द्वारा निकली हुई अग्नि से जलेगी, तुम्हारी माचिस से नहीं जलेगी। बस ठीक है, ये बात ठीक है। अग्नि अलग अलग टाइप की होती है। अब इतनी बड़ी सोने की चीज है तो तुम्हारी माचिस से सुलग जाएगी क्या? बड़ी चीज को जलाने के लिए बड़ी चीज चाहिए पड़ेगी ना, है? ट्रेड सेंटर गिराने के लिए एरोप्लेन सेंटर पर गिराना पड़ेगा उसको, नहीं समझ आ रहा है? कि थोड़ी सी वो मिट्टी का तेल डालने से ट्रेड सेंटर गल जाएगा, टूट जाएगा क्या? नहीं समझ आ रहा। बड़ी चीज को मिटाना है तो बड़ी शक्ति चाहिए, वो बड़ी शक्ति कहाँ है? तो जो शक्तिवान है उनके पास में है, बस तुम्हारे पटाखों से थोड़ी ना टूट जाएगी वो। तो बस यही तो बात है। कार्य होगा जलने का, अग्नि से ही होगा, समझ आ रहा है? गलने का कार्य होगा तो पानी में गलती है कोई चीज तो पानी से गलेगी, अग्नि में जलती है तो अग्नि से जलेगी, वायु से सूखती है तो वायु में सूखेगी। जो जिसके लिए कारण है वो कारण से ही तो कार्य होते हैं हमेशा, तो यही तो है सिद्धांत। और क्या है? जो जिस कारण से होता है वही उस कारण से ही कार्य घटित होता है।
तो ये बात अलग है कि वह अग्नि कैसी बनी, कौन उसमें निमित्त बना, लेकिन निमित्त तो पड़ा, बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं हुआ। तो यही हमें समझना चाहिए, जीव का ये सब उपयोग करने का तरीका है, और ये जीव का उपयोगमय स्वभाव, समझ आ रहा है, शुद्ध होता चला जाता है, चेतना उसकी ज्ञानमय होती चली जाती है, तो दूर दूर की चीजें भी उसके ज्ञान में आ जाती हैं, दिखाई दे जाती हैं। इसलिए यहां कहा है जीवोपुण चेदणो वोगमो पोगल दब्ब पमुअम अचेदणम हवदि अजीवम। और जो अजीव है वो यहां पर पुद्गल द्रव्य की प्रमुखता से अचेतन रूप है, समझ आ रहा है। अजीव पुद्गल द्रव्य के बिना भी होते हैं, आगे बताएंगे, लेकिन जो जीव के साथ जुड़ा हुआ पुद्गल द्रव्य है वह पुद्गल द्रव्य अजीव रूप यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि उसी से आपको अपना पीछा छुड़ाना है। बाकी के जो पुद्गल द्रव्य से रहित अजीव हैं उनसे पीछा नहीं छुड़ाना, वो तो केवल जानने और श्रद्धान करने के विषय होते हैं। बाकी के ये जिससे अपना प्रयोजन है वो क्या है, पुद्गल द्रव्य की प्रमुखता वाला जो अजीव पदार्थ होता है वह हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो अपनी चेतना के उपयोग को इस पुद्गल द्रव्यमय शरीर से बाहरी नौकर्म से हटा करके जो व्यक्ति अलग अपने चेतना के उपयोग को शुद्ध बनाता चला जाता है वह इस तरह का विस्तार कर लेता है कि वह केवल ज्ञानी भी बन जाता है। तो केवल ज्ञानी की भी यही विशेषता है और जो सामान्य ज्ञानी है सम्यक ज्ञानी है उनकी भी यही विशेषता है कि दोनों एक सरीखा जानते हैं, कार्य जब भी होगा उपादान और निमित्त से होगा। आपने पहले देख के जान लिया, बता दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्योतिषी भी बता देते हैं, बड़े बड़े निमित्त ज्ञानी भी बता देते हैं, मने परे ज्ञानी भी जान लेते हैं, तो ये तो ज्ञान की विशेषता है जो हमें नीचे भी देखने में को मिलती है, मतलब निचले स्तर पर भी हमें देखने को मिलती है। अवधि ज्ञानी है, मने परे ज्ञानी है, विशेष श्रुत ज्ञानी है, निमित्त ज्ञानी है, ये सब भी आगे की चीजों को देख के बता देते हैं। तो देख के बता देने से मतलब ये नहीं हो गया कि कोई वस्तु व्यवस्था गड़बड़ा गई, काम होगा लेकिन वह होगा तो इसी तरीके से ही होगा, उपादान और निमित्त दोनों के मिलने से ही कार्य होता है। कभी आपको नहीं मालूम कि कब होगा, वो किसी को पहले मालूम पड़ सकता, बस बता दिया, टाइमिंग का ही तो फर्क पड़ा, आपकी दृष्टि में वो चीज परोक्ष है, उनकी दृष्टि में वो प्रत्यक्ष आ गई, इतना ही तो अंतर है। तो इतनी सी बात के लिए हम कभी भी सिद्धांत ना मिटा दें कि जो भगवान देख रहे हैं वही होगा, हमारे करे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कहना चाहिए, करना तो हर व्यक्ति को खुद का पड़ता ही है। ये बात अलग है कि वो अपने करने को भी इतना सीमित कर ले कि वह कर्म फल चेतना से निश्चिंत होता चला जाए और जैसा उसके लिए मिलता जाए उसमें संतुष्ट होता चला जाए, तो उसके लिए यही अच्छे कर्म उसे अपनी ज्ञान चेतना के विकास को और ज्यादा वृद्धिंगत करने के काम में आ जाएंगे। ठीक है, क्या कहते हैं आचार्य महाराज, ये द्रव्य है अमिट जीव अजीव चैतन्य रूप उपयोग सुजीव, ये शेष द्रव्य सब पुद्गल आदि होते अचेतन अजीव सुधी। ठीक, आंखें बंद। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अपनी चेतना को उपयोग स्वभाव के साथ ज्ञान दर्शनमय महसूस करें। ज्ञान दर्शनोपयोगमयोऽहम्, दोदघायिकममलम् परमामि वड्ढमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्।
जहतेणः पदेशा तदपदेशा हवन्ति शेषाणम् अपदेशो परमाणु तेण पदेशो भवो भडिदो। यह आचार्य कुंदकुंद देव विरचित प्रवचन सार ग्रंथ है। इसमें छह द्रव्यों का कथन किया जा रहा है। ज्ञेय तत्व अधिकार के माध्यम से और उन छह द्रव्यों के वर्णन करते हुए द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या के बारे में ज्ञान दिया गया। ये पिछले प्रवचन में आपने सुना है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रदेश वाले जो द्रव्य हैं और अप्रदेश वाले जो द्रव्य हैं वो कौन हैं, क्या हैं। जहते नह पदेशा, जिस प्रकार से वे नव माने आकाश के प्रदेश, तदप पदेशा हवन्ति शेषाणम्, शेष जो द्रव्य हैं उनके भी जो प्रदेश हैं वे प्रदेश शेष द्रव्यों के भी वैसे ही होते हैं जैसे आकाश के प्रदेश होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से आकाश के प्रदेश एक से लेकर के बढ़ते हुए अनंत प्रदेशों तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही शेष द्रव्यों के भी प्रदेश होते हैं और वह अपनी अपनी संख्या के अनुसार एक प्रदेश से लेकर के संख्यात असंख्यात प्रदेशों तक भी पहुंच जाते हैं। पुद्गल द्रव्य के प्रदेश होते हैं तो वह अनंत प्रदेशों तक भी पहुंच जाते हैं। प्रदेश का मतलब जो पुराने लोग हैं उन्हें तो समझ में आएगा, अब जो नए लोग हैं तो वो एकदम से मुंह देखेंगे कि ये क्या चल रहा है, सुनने तो हम कुछ और बैठे थे और सुनाया क्या जा रहा है। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश का मतलब बताया था कि जो एक परमाणु के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्र होता है, स्पेस होता है, उसको प्रदेश कहा जाता है। और उस प्रदेश के माध्यम से द्रव्यों की आकृति को मापा जाता है कि कौन द्रव्य कितने प्रदेश को घेरने वाला है, किस द्रव्य के प्रदेशों की संख्या क्या है। आकाश द्रव्य के प्रदेश एक प्रदेश से लेकर के अनंत तक पहुंच जाते हैं। आकाश द्रव्य के प्रदेशों की संख्या अनंत है, किंतु अन्य जो द्रव्य हैं उनमें केवल पुद्गल को छोड़कर के बाकी सब प्रदेशों की सब द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या असंख्यात ही रही आती है। पुद्गल द्रव्य जो होता है वो संख्यात प्रदेश वाला भी होता है, असंख्यात प्रदेश वाला भी होता है, अनंत प्रदेश वाला भी होता है। प्रदेश का मतलब कितना स्थान वह घेर रहा है, इस लोक में रहते हुए कौन कितना स्थान घेर रहा है यह बताया गया है। वैसे तो जीव के लिए कहा है कि वह जीव अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, और कोई भी जीव द्रव्य होता है तो वह लोकाकाश के असंख्यात में भाग में रह करके केवल लोक के असंख्यात प्रदेशों को ही घेरता है, इससे ज्यादा नहीं घेर सकता। फिर भी एक कंडीशन आपको बताई थी कि समुद्घात की दशा में लोक के पूरे असंख्यात प्रदेशों को घेर लेता है, लेकिन फिर भी वह असंख्यात प्रदेशों को ही घेरने वाला कहलाएगा, अनंत प्रदेशों को घेरने वाला नहीं कहलाएगा। केवली भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं, पूरे लोक में उनके प्रदेश फैल जाते हैं, तो पूरा लोक भी असंख्यात प्रदेश वाला है और एक जीव द्रव्य के प्रदेश भी असंख्यात ही हैं। इसलिए असंख्यात प्रदेशी वह जीव द्रव्य जब पूरे लोकाकाश में फैल जाता है तो भी वह असंख्यात प्रदेशों में ही फैलने वाला कहा जाए, अनंत वाला नहीं कहलाया। समझ आ रहा है आपको। जीव द्रव्य
वैसे तो सामान्य रूप से अपने जिस शरीर में रहता है उतने ही शरीर में रहता है, लेकिन समुद्घात की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वह अपने प्रदेशों को शरीर से बाहर भी निकालता है। तो एकमात्र लोक पूर्ण समुद्घात ही ऐसा समुद्घात है जिसमें कि पूरे के पूरे आकाश के प्रदेशों में जीव के प्रदेशों का फैलाव हो जाता है। बाकी के जो भी समुद्घात हैं उनमें थोड़े थोड़े प्रदेशों का फैलना कुछ कुछ दूरी तक होता है। एक मारणांतिक समुद्घात होता है जिसमें कि जीव के प्रदेश वहां तक चले जाते हैं जहां तक कि उस जीव को अगली पर्याय में जाना है। अगली पर्याय में जहां उत्पन्न होना है वहां तक पिछली पर्याय में ही वह जीव अपने प्रदेशों को फैला करके उस स्थान तक होकर के वापस लौट करके आ जाता है और फिर उसके बाद में उसका मरण होकर के वह उस स्थान पर उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो केवल समुद्घात की दशा में यह जीव के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, बाकी तो इसके प्रदेश शरीर में ही रहते हैं। जब ये प्रदेश इसके शरीर में रहते हैं तो ये शरीर के ही आकार वाला होकर के रहता है और वह असंख्यात प्रदेशों को ही धारण करके हमेशा रहता है, चाहे वो समुद्घात करे या ना करे, प्रदेशों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। उस द्रव्य के प्रदेश तो असंख्यात ही रहेंगे, उनका संकोच विस्तार होने से उनका फैलाव अधिक हो सकता है, संकुचन होने से वह एक छोटे से भी स्थान पर रह सकता है, लेकिन उसके प्रदेशों की संख्या तो असंख्यात ही रहेगी। जीव द्रव्य के अंदर ये जो प्रदेशवत्व गुण है उसके कारण से ये सब चलता है और इसकी जानकारी अपने को रहती नहीं है, क्योंकि अपन जीव के अन्य गुणों के बारे में तो जान और ये भी सुन सुन करके अब कोई ज्ञान दर्शन स्वभाव की तरफ किसी का झुकना नहीं होता, लेकिन जब तक हम जीव द्रव्य एक अलग अपना पदार्थ है, एक अलग द्रव्य है और उसके ऐसे प्रदेश हैं और वह अपने इतने असंख्यात प्रदेशों के साथ ही रहता है, रह रहा है, ये जब तक हमारी श्रद्धा में नहीं आता तब तक हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि शरीर से भिन्न भी हमारा कोई आत्म द्रव्य है। जब तक ऐसा प्रतिभाषित नहीं होता तब तक हर व्यक्ति, हर अंतर, हर आत्मा शरीर में ही अपनी आत्मा को समझ करके शरीर को ही आत्मा समझता है। और जब हम द्रव्य के इन प्रदेशों के माध्यम से द्रव्य की भिन्न जानकारी ले लेते हैं तो हमें ये ज्ञान में आने लग जाता है कि शरीर में तो आत्मा रह रहा है लेकिन जो शरीर है सो आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा एक भिन्न द्रव्य है जिसके प्रदेश असंख्यात ही हैं और जो शरीर है वह ऐसा पुद्गल का पिंड है जिसमें अनंत प्रदेश हैं, अनंत परमाणुओं से मिलकर के वह शरीर बना है। शरीर के परमाणु तो अनंत हो सकते हैं लेकिन कभी भी जीव के प्रदेश अनंत नहीं हो सकते। जीव कितना तो असंख्यात प्रदेश वाला ही रहेगा, उसमें कम भी नहीं हो सकते, संख्यात भी नहीं हो सकते और बढ़ाएं तो अनंत भी नहीं हो सकते। ये हमें अपने ही पुद्गल शरीर से अपने ही जीव द्रव्य के विषय में जब डिफरेंस ज्ञात होता है तब हमारे लिए ये श्रद्धा में आता है कि जीव द्रव्य का स्वभाव इस पुद्गल द्रव्य से हर स्थिति में अलग है। स्वभाव की अपेक्षा से भी ये चैतन्य स्वभाव वाला है, उससे भी अलग है और प्रदेशों की अपेक्षा से इसकी जो प्रदेशों की संख्या है वह भी पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की संख्या तो बदलती रहेगी, संख्यात हो जाएगी, असंख्यात हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, लेकिन जीव द्रव्य के प्रदेश की संख्या कॉन्स्टेंट है। कितनी है? ऑलवेज इन्यूमरेबल। न्यूमरेबल भी नहीं है और इन्फिनिट भी नहीं है। कितनी है? इन्यूमरेबल। संख्यात भी नहीं है, अनंत भी नहीं है। कितनी है? असंख्यात। अपने द्रव्य की इस प्रदेशवत्ता का निर्धारण हमें खुद अपने ज्ञान से करना चाहिए
और जब ज्ञान नहीं होता है तो हमें जिनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से हमें वह ज्ञान लेकर के अपने अंदर वह श्रद्धान कर लेना चाहिए। समझ आ रहा है? कई लोग कहते हैं महाराज काम की बातें बताओ, हाँ, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ उपयोग हो। हाँ, अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उपयोग करना आपको? अपने घर के झंझटों को निपटाना, कि कलह को दूर करना, हाँ, कि अपने घर के और विस्तार को बढ़ाना, कि घर में और चीजें कैसे अच्छे तरीके से हम मैनेज कर पाए, कैसे हम अपनी फैमिली को मैनेज कर पाए, कैसे हम अपने रिलेशन को मैनेज कर पाए, ये चीजें बताओ आप महाराज, ये क्या बताते रहते हो? न कुछ दिखने में आ रहा है, न कुछ समझने में आ रहा है, शब्दावली भी बड़ी अलग अलग सी समझ में आ रही है, ये प्रदेश, ये परमाणु, ये लोकाकाश, ये जीव। हम तो दिल्ली शहर में रह रहे हैं, मॉडल टाउन के लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, और आप ये एंशियंट बातें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? सुन रहे हो? अपनी धारणा को जिनवाणी के अनुसार जो व्यक्ति चलाता है, जो व्यक्ति बनाता है, तो उसकी दृष्टि धीरे धीरे समीचीन होती चली जाती है, वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। और हम अपनी धारणा अपने मन के अनुसार ही, बाहर की दुनिया के अनुसार ही अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमारी दृष्टि बाहर ही भटकती रहती है। पहले भी हम मिथ्या जानते थे, आज भी मिथ्या जानेंगे, तो हम मिथ्या की ओर ही दृष्टि रखेंगे, तो मिथ्या दृष्टि ही बने रह जाते हैं। समझ आ रहा है? जिनवाणी के अनुसार अपने मन को ढाल करके उस जिनवाणी के ज्ञान को अपनी आत्मा में उड़ेलना, ये करना पड़ता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मन में आता है वैसी चीजों को ढूंढते हैं, और मन के अनुसार किताबें ढूंढेंगे, मन के अनुसार सब्जेक्ट चूज करेंगे, मन के अनुसार ही जो है जो प्रवचन होंगे उनको YouTube से कैच करेंगे, क्लिक करेंगे, मन के अनुसार जो हमें चाहिए वो। ये क्या हो गया? ये हुई हमारी मनमानी। क्या हुई? मन की मान रहे हो ना, तो मन की मानोगे तो क्या कहलाएगा? मनमानी। और कहने को तो बैठ जाते हो महाराज हमें जिनवाणी सुनाओ, और जब महाराज जिनवाणी सुनाते हैं तब कहते हो कि महाराज हमें नहीं सुनना जिनवाणी, और जब जिनवाणी भक्ति होगी तो फिर लास्ट में फिर कहोगे हम ना करेंगे मनमानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। ये जैनों के खेल है। समझ आ रहा? ये जैनों के खेल है। मुनि महाराज को बिठा दो, जिनवाणी को भेंट कर दो, जो जिनवाणी भेंट की जाती है वो जिनवाणी कभी खुलती नहीं है, वो केवल भेंट करने के लिए रहती है, वो अचार में बंधी रहती है। महाराज आप तो वो सुनाओ जो हमारे जीवन में काम आने वाला हो, हमको समझ में आया। समझ आ रहा है? जिनवाणी भेंट की जाएगी, मुनि महाराज से कहा जाएगा महाराज प्रवचन सुनाओ, है फिर लास्ट में जिनवाणी पढ़ी जाएगी, तब फिर कहा जाएगा हृदय धरेंगे जिनवाणी नहीं करेंगे, और टोटल काम मनमानी का ही होता रहता है। समझ आ रहा है? ना हमें जिनवाणी खोलने के लिए मन करता है, ना जिनवाणी के अंदर क्या लिखा है ये देखने का मन करता है, ना जिनवाणी के गाथा को पढ़ने का मन करता है, ना उसको समझने का मन करता है। मन जो करता है वही करता है जो मन के अंदर चलता है। और अंततः फिर हम खड़े होकर के कहने लग जाते हैं कि हम कभी मनमानी नहीं करेंगे, जिनवाणी हृदय धरेंगे, और धोक दे करके जावाणी के ज्ञान से चले जाते हैं। होता क्या है? क्या किया हमने? जिनवाणी अपने अंदर धारण की कि हमने अपनी मनमानी की। अब आपका मन है और आप कहो कि हमारे मन के ही अनुसार सब कुछ होना चाहिए, तो जब आपके मन के ही अनुसार सब कुछ होता रहेगा तो मन के अनुसार क्या होगा? मन के अंदर तो पुरानी कसाएं पड़ी हैं, पुराने संस्कार पड़े हैं, उनके अनुसार आपका मन चलता है, तो उससे ही आप मन चलाओगे, तब तो संसार है, तो संसार बढ़ता रहेगा। अगर आपको संसार को घटाना है, संसार से आपको बचना है, तो आपको मनमानी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें जिनवाणी के अनुसार अपना मन बनाना पड़ेगा। मन के अनुसार जिनवाणी नहीं चलती है,
कई लोग मन के अनुसार जिनवाणी चलाते हैं, जिनवाणी पढ़ने बैठे समझ नहीं आ रहा, ये पन्ना पलटा, फिर ये पन्ना पलटा, फिर ये पन्ना पलटा, और जो है बंद कर दिया। क्या हो गया? आपने जिनवाणी की नहीं सुनी। आप किसकी सुन रहे हो? अपने मन की सुन रहे हो, मन से पूछ रहे हो, मन बता तुझे अच्छा लग रहा है। अब आपसे कहें आपको प्रोफेसर सर अच्छा लग रहा है, आप कहोगे नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? मन के अनुसार जब तक आप चलोगे, आपके भीतर का संसार कभी भी रुकेगा नहीं, भीतर का संसार कभी भी जो बढ़ता जा रहा है वो घटेगा नहीं, और भीतर अंतर आत्मा की जो आवाज आपको सुनाई पड़नी चाहिए वो कभी सुनाई पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप हमेशा मन के अनुसार ही बाहर हर चीज को ग्रहण करते हो। मन के अनुसार ही आपको मुनि महाराज चाहिए, मन के अनुसार ही आपको जिनवाणी चाहिए, मन के अनुसार ही आपको प्रवचन चाहिए। समझ आ रहा है? जिसमें मजा आए। अब हम सोचते हैं कि जब भगवान जिनेंद्र देव बोलते होंगे, तीर्थंकर भगवान की वाणी खिरती होगी, तो ये द्रव्यों का वर्णन, ये तत्वों का वर्णन निरंतर चलता होगा और लोग बैठे बैठे सुनते होंगे, तो कितने धैर्यवान लोग होंगे और कितने निर्मोही लोग होंगे कि जिनके अंदर इस ज्ञान से आनंद उत्पन्न होता होगा। जीव द्रव्य की बात कही जा रही है, अपने ही जीवात्मा की बात बताई जा रही है, और उस जीवात्मा की बात को समझने के लिए हमारे पास में मन नहीं बन रहा है, तो अब भगवान की वाणी सुनकर के क्या करोगे बताओ? भगवान की वाणी में और क्या संसार की बातें आएंगी? जो तत्व है, जो वास्तव में वस्तु स्थिति है, उसको समझना, उसको जानना, यही हमारे लिए जब प्रयोजन हो जाता है तो हमें भगवान की वाणी अच्छी लगने लग जाती है। फिर वह जब हमें जीव द्रव्य के बारे में बताया जाएगा तो उसके गुण चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, गुण तो आखिर उस द्रव्य के ही है, गुण तो हमारे ही आत्म द्रव्य के हैं, तो हमारी आत्म द्रव्य के अंदर ये प्रदेशों की संख्या, ये प्रदेश इतने कि जिनको हम कभी गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हमें तीर्थंकर भगवान ने बताया कि हर जीवात्मा असंख्यात प्रदेश वाला है, दुनिया में इससे डिफरेंट कोई भी जीवात्मा होता ही नहीं है, इसलिए जितने भी आत्माएं हैं सब इस अपेक्षा से इक्वल हैं। हर जीवात्मा असंख्यात प्रदेश वाला है, वो उतना ही स्थान घेरेगा असंख्यात प्रदेश के बराबर। चींटी भी असंख्यात प्रदेश में ही रह रही है, मनुष्य भी असंख्यात प्रदेश को ही घेर करके रह रहा है, और बड़ा कोई डायनासोर भी होगा तो वो भी असंख्यात प्रदेशों में भी रहेगा, और उससे भी बड़ी अवगाना वाले चाहे 500 धनुष के, 525 धनुष के बाहुबली हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, वो भी असंख्यात प्रदेश वाले ही रहेंगे। और ये जो प्रदेशों की वृद्धि हो रही है तो वह भी लोक के असंख्यात वे भाग में ही वृद्धि हो रही है, और असंख्यात प्रदेशों की वृद्धि हो रही है, अनंत तक कुछ नहीं जा रहा है, सब असंख्यात में ही खेल चल रहा है। और ये जो प्रदेशों की वृद्धि हो रही है तो इससे ये जानना कि हमारी आत्मा के अंदर का ये कैसा स्वभाव है कि हमारी आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं और फैल जाते हैं, इतने भी फैल जाते हैं कि जब मनुष्य की भोग भूमि में काया 2-2 कोष 3-3 कोष की बनती है तो उतनी भी बड़ी हो जाती काया, जितनी बड़ी काया उतनी ही उसके आत्मा के प्रदेश फैलते चले जाते हैं। क्या इस तरीके का स्वभाव किसी और द्रव्य में है? धर्म द्रव्य के प्रदेश असंख्यात ही हैं, धर्म द्रव्य एक जैसा है, फैला हुआ है, फैला वैसा का वैसा ही बना रहता है। अधर्म द्रव्य के भी प्रदेश वैसे के वैसे ही असंख्यात हैं, आकाश द्रव्य के भी अनंत प्रदेश वैसे ही हैं, कालाणु एक प्रदेश वाला वैसा ही बना हुआ है, पुद्गल में बंद होकर के कभी इस संख्यात कभी असंख्यात कभी अनंत प्रदेश बन जाते हैं, लेकिन वह भी कोई ऐसा पुद्गल नहीं जो पूरे लोकाकाश में एक साथ फैल जाए। लेकिन ये जीव द्रव्य का स्वभाव देखो कि ये अपने आत्म प्रदेशों को कहां तक फैला लेता है? पूरे लोकाकाश में फैला लेता है। मान लो किसी जीव को यहां से मर करके, है ना, उसको स्वयंभू रमण समुद्र में जाकर के मान लो जन्म लेना है,
तो यहां से लेकर के उसकी आत्मा के प्रदेश फैलते हुए स्वयंभू रमण समुद्र तक चले जाएंगे। किसी को जो है सातवें नरक में जाकर के जन्म लेना, यहीं पे बैठा बैठा अपने प्रदेशों को फैला करके सातवें नरक तक ले जाएगा। किसी को ऊपर देवगति में जन्म लेना है तो वहां पर भी जाकर के उसके प्रदेश फैल करके संकुचित होकर के फिर आ जाएंगे, और पुनः जो है उसका मरण होने के बाद में उसके वहां पर उसका गमन हो जाएगा। ये मारणांतिक समुद्घात कहलाता है। कई बार हमारी आत्मा के प्रदेश इस तरीके से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमें पता नहीं पड़ता है। कुछ और भी समुद्घात होते हैं, जैसे बोला जाता है एक वेदना समुद्घात है, एक कसाय समुद्घात है, ऐसे भी समुद्घात है। वह ऐसे समुद्घात होते हैं जिनमें हमारी आत्मा के प्रदेश बस शरीर से तिगुने ही बाहर निकलते हैं, जो शरीर की अवगाहना है उससे तिगुने आकार में बाहर निकलेंगे, अधिक दूर तक नहीं जाएंगे, अधिक नहीं निकलेंगे। योत्र देवेंद्र भूपेंद्र दुर्वादि भी पूर्व सूरीश्वर मुक्ति कामार्थ भी भूरि संस्तुयते स्मर्यते वंद्यते।